तो हाय फेलो यूजर्स, चंगोर। सो गाइस, इस वीडियो में आपको PUBG मोबाइल से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में डेटा ट्रांसफर होने के प्रोसेस के बारे में कुछ मेजर अपडेट्स दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो जब इंडिया में गेम रिलीज होगा ना, क्या पता गेम रिलीज होने के बाद आपका डेटा आपको ना भी मिले। यस, ये काफी शॉकिंग चीज है, लेकिन मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले तो हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, जब गेम इंडिया के अंदर रिलीज होगा क्या हमारा जो पुराना डाटा है वो हमें मिलने भी वाला है? क्योंकि यार देखो, ये क्वेश्चन लास्ट में भी मैं समझता हूं होना, क्योंकि नवंबर में जब गेम वापस आ रहा था वो था PUBG मोबाइल इंडिया। समझ आता है, चलो PUBG मोबाइल ग्लोबल बैन हुआ, अब उसमें इंडिया लगा के गेम वापस आ रहा है, सेम ही है। लेकिन अभी जो गेम रिलीज हो रहा है वो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, बिल्कुल ही अलग। और सिर्फ नाम से ही नहीं, इसके सर्वर्स भी इंडिया के अंदर है, ये गेम बना भी इंडिया के अंदर है, मतलब एक तरीके से पूरा गेम ऑफ पीस हो गया। और जो गेम ऑफ पीस है वो आपने अगर देखा है ना कभी, तो वो जो ग्लोबल से बिल्कुल अलग चलता है, स्किन्स अलग है, अलग लॉबी है, हर एक चीज अलग है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि अभी तक क्राफ्टन ने एक बार भी ऑफिशियली ये नहीं बोला है कि जो हमारा पुराना डाटा था वो आने वाला है। देखो, अजम्पशन हम सब ने किए कि आएगा और बिल्कुल आएगा, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कुछ भी ऐसी नहीं हुई है। तो ऐसे टाइम में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना तो नॉर्मल है कि यार आएगा भी या डाटा या नहीं आएगा। तो यार मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूं, मेरे हिसाब से 100% जो हमारा डाटा है वो मिलेगा, लेकिन डाटा जो है ना वो शायद पूरा ना मिले, 90% ही मिले। अभी यहां से 3-4 महीने पहले जब गेम नवंबर दिसंबर में रिलीज होने वाला था ना, तब एक लीक आ रहा था कि PUBG मोबाइल इंडिया के अंदर हमारा डाटा पूरा का पूरा आएगा। लेकिन टेंसेंट वालों ने ये चीज बोली है कि जब गेम इंडिया में बैन हो चुका है, मतलब 28 सितंबर को बैन हुआ था मेरे हिसाब से, तो उससे पिछले दिनों का जितना भी डाटा है वो तो हमें उस गेम में आने वाला था, लेकिन उसके बाद बैन होने के बाद जितना भी डाटा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है टेंशन की देने की क्राफ्टन वालों को। तो वही चीज सेम फिर से हो सकती है, क्योंकि उस समय तो 2-3 महीने हुए थे गेम को बैन हुए, लेकिन अभी हो चुके हैं 6-7 महीने आई थिंक हो चुके हैं। एंड ये चीज की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कि जब हमारा डाटा हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर मिलेगा, तो ये चीज हो सकती है कि वो डाटा सिर्फ उतना ही मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज है या फिर इनसाइडर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज हो सकती है कि जब डाटा मिले तो सिर्फ उतना ही मिले जैसे कि हमें सितंबर से पहले का था, क्योंकि उसके बाद से तो वैसे भी गेम बैन है इंडिया में, तो हम लोग तो इलीगली खेल रहे हैं। और ये लीक तो अभी तक आप लोगों ने सुनी ली होगी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीजन 1 से स्टार्ट होने की काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ग्लोबल में सीजन चल रहा होगा उसी से स्टार्ट होगा, हो सकता है वो सीजन 1 से स्टार्ट हो और बिल्कुल ही अलग सीजन हो वहां पे। बट यस, यहां पे ये चीज हो सकती है कि जो क्राफ्टन है और जो टेंसेंट है उनकी वैसे भी यार पार्टनरशिप है, और मुझे लगता है उनका इंटरनल रिलेशन काफी अच्छा होगा, इतना बड़ा गेम चला रहे हैं दोनों मिलकर, तो होगा ही। तो शायद क्राफ्टन वाले टेंसेंट वालों को कन्विंस कर भी लेकिन नहीं यार हमें डाटा पूरा का पूरा चाहिए, और जिस तरीके से भी होगा वो लोग सारा का सारा दे भी दें। लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से ये चीज तो 100% कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो हमारा पुराना डाटा था सितंबर से पहले वाला और सितंबर तक जब तक गेम रिलीज नहीं हुआ था वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, जब क्राफ्टन गेम इंडिया में रिलीज करेगा और हमें पता लगा अगर बाई चांस गेम 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें नया करेक्टर बनाना पड़ रहा है, नया आईडी बनाना पड़ रहा है, हम पुराने को नहीं खेल पा रहे, तो यार ये चीज काफी प्लेयर को काफी खराब लग सकती है। क्योंकि बहुत प्लेयर है जिन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं गेम के अंदर, नई नई स्किन्स खोली हुई है, आउटफिट खोली हुई है, पता नहीं क्या क्या और कितनी अचीवमेंट्स कंप्लीट की हुई है, तो यार लोग ऐसा हो सकता है कि स्प्लिट हो जाए कि कुछ लोग खेल रहे हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, कुछ लोग खेल रहे हैं ग्लोबल क्योंकि उन्होंने वहां स्किन खोली हुई, बोलेंगे कि भाई हमने ग्लेशियर खोली हम तो चलाएंगे, हम यहाँ पे इतने पैसे क्यों खर्चे जब वहां पे चली रही है गेम, है ना। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्राफ्टन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऑडियंस स्प्लिट हो जाए, और इतनी मुश्किल से जो उन्होंने गेम अपनी बनाई है, जिसको इंडिया में अप्रूव कराया गेम आने वाली है, उसके अंदर ऑडियंस इतनी आए ना, क्योंकि ऑडियंस स्प्लिट हो सकती है अगर आप लोग लॉजिकली सोचो। तो यार ये तो हमें बिल्कुल ही कंफर्म होना चाहिए कि जब गेम इंडिया के अंदर आएगी तो हमारा जो पुराना डाटा था वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि जो सितंबर के बाद का डाटा था वो पता नहीं मिले या ना भी मिले। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि यार इस वीडियो में मुझे इनसाइडर है कोई या फिर मेरे को ऐसा कोई अपडेट मिला कहीं से, बट मुझे ये चीज लग रही थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा रीजन यही था कि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने टैग किया था कि थैंक यू, मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोग अचीवमेंट को कंप्लीट कर सकते, और उसने मुझे टैग किया हुआ था कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी अचीवमेंट कंप्लीट होगी। तो मैंने सोचा यार अभी भी लोग अचीवमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, अभी भी लोग परचेज कर रहे हैं गेम के अंदर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब गेम आए तो पता लगे जितना भी सितंबर का बाद का डाटा था वो अचीवमेंट बिल्कुल रीसेट हो जाए, फिर से कंप्लीट करो, परचेज सारी गायब। तो मैंने सोचा इसके बारे में जितनी मुझे नॉलेज है ना वो तो कम से कम आपको बता देनी चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाओ भाई, अभी गेम आने वाला है उसमें ही मेहनत कर लेना। लेकिन यस, ये हो भी सकता है कि सारा का सारा डाटा ही वापस आ जाए, जो कि मैं भी चाहता हूँ यार जितनों ने जितनी मेहनत की है ना सब उनको मिलना चाहिए, बट थोड़ा सा रेस्ट तो रहता ही है। तो आप लोग सेफ साइड खेलो, अभी थोड़ा मेहनत कम करो, जस्ट वैसे ही फन फुन करो, और जब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आ जाएगा इंडिया में फिर तो भाई धूम मचानी है हम सबने। बाकी यार आप लोग अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, मैं वेट करूंगा आपके ओपिनियन का, एंड अच्छा लगा तो मैं जरूर से कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, आपको देखा होगा मैं करता हूँ आजकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।